श्रेणी भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 30% आरक्षण से 50% आरक्षण बढ़ाने के बाद आज दिन भर ट्विटर पर एक लड़ाई सी लग गई और ट्रेंड हो गया, लड़कों का हक मत मारो, ऊपर भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो। तो इसको लेकर आज मामला ट्रेंड में रहा। और क्यों रहा लड़कों का हक मत मारो, ये लड़कों की आवाज़ है। 30% से 50% आरक्षण महिलाओं का कर दिया गया। तो उससे पहले कुछ बातें हम भी कह देते हैं कि हम लड़के हैं साहब, हम लड़ते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, हम लड़ते हैं हालात से, हम लड़ते हैं अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। हम जब पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने साथ लेके जाते हैं, ट्रेन में, बस में, भीड़ में, सांस लेने तक की जगह नहीं होती जहाँ खड़े होके जाते हैं, कहीं महंगी होटलों में नहीं ठहरते जहाँ जगह मिली, रेलवे प्लेटफॉर्म हो या रोडवेज बस स्टैंड हो, हम वहीं सो जाते हैं। कुछ नींद आई कुछ नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हर बार मेहनत ही तोड़ करते हैं। लेकिन हम लड़के हैं, लड़ते हैं हालातों से, अपने आप से। हम इसलिए लड़ते हैं, इसलिए जो पाना चाहते हैं कि कोई तो हमें लड़की दे देगा। वो लड़कियां अधिकतर इसलिए पढ़ती हैं कि कुछ समय वक्त मिल जाएगा शादी से बचने के लिए और आगे इसी बहाने पट भी लगी। लड़कियों को तो सरकारी नौकर मिल ही जाएगा, उन्हें तो ब्याह के ले जाएगा, लेकिन लड़कों की दिक्कत आती है, सरकारी नौकर चाहिए और सब होते नहीं हैं। और हम लड़के हैं साहब, जैसी मिली ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमें सरकारी ही मिले, हम लड़के हैं, लड़ते हैं ना हालातों से। माँ बाप के चेहरों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनकी उम्मीदें कहीं हम उन आँखों में देखते हैं, और जब हम पूरी नहीं कर पाते या उस तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं तो निराशा होती है। और उसके बाद सरकार के ऐसे निर्णय दीजिए, हम ये नहीं चाहते और हम ये नहीं कहते कि लड़कियों को आगे मत बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए पैसा, लेकिन लड़कों के साथ भेदभाव हो उन्हें आप पीछे रखें, ये भी तो न्याय संगत नहीं है। सोचिएगा, 50% आरक्षण है लड़कियों का, जो ब्रॉड माइंड होगी, अच्छी खासी मेहनत का मेरिट होल्डर 10% के आसपास और ले आएगी। उसके बाद बाकी के एक्स आर्मी के आरक्षण कुल मिला के 70% के आसपास या 70% से भी ज़्यादा आरक्षण में मामला चल जाएगा। फिर पीछे बचा 25 से 30% में हम लोग कंपटीशन करेंगे फोरम, जबकि लड़कियों के काम आते हैं। तो एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को इस पर रिव्यू देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हम लड़के हैं साहब, लड़ते हैं हालातों से, साथ दीजिए, हम लड़कियों के साथ हैं। आज का जब माहौल देखा तो लड़कियां भी इसके पक्ष में थी कि नहीं, ये न्याय संगत नहीं है। आपको क्या लगता है और ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।